पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्मः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामशान्तिरेधि। यतो यतसमीहसे ततो नोमभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। प्राचीन भारत के अनेक जनपदों में एक महाजनपद था मगध। मगध जहां सीता को ढूंढने सुग्रीव, वही मगध जिस पर पांडवों के पिता पांडु ने आक्रमण कर अभिमानी दीर्घ की हत्या की। भारतवर्ष के इतिहास में मगध तब और प्रकाश में आया जब महाभारत के काल में व्रीधरत का वीर पराक्रमी पुत्र जरासंध मगध की राजधानी ग्रीवरज के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। यही जरासंध ग्रीवरज में भीम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। जरासंध की भावी पीढ़ियों ने मगध पर शताब्दियों तक राज्य किया। जरासंध के वंश के अंतिम शासक रिपुंजय की हत्या उसके ही मंत्री सुनिक ने की। वह सुनिक का पुत्र प्रद्योत मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। प्रद्योत वंश के पांच शासकों के 138 वर्ष के पश्चात ईसा के 642 वर्ष पूर्व शिशुनाग मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। मगध के राजनैतिक उत्थान व परिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब ईसा के 528 वर्ष पूर्व बिंबिसार ने मगध की सत्ता के सूत्र अपने हाथों में लिए। अंग प्रदेश की विजय के साथ जिस साम्राज्य विस्तार की नींव बिंबिसार ने डाली थी उसका सफलतापूर्वक निर्वाह उसके पुत्र अजात शत्रु। एक ओर मगध राजनैतिक उत्कर्ष कर रहा था तो दूसरी ओर भारत के जनमानस में एक नवीन आध्यात्मिक चेतना अनुप्राणित हो रही थी। धार्मिक जड़ता व रूढ़ियों से ग्रसित भारतीय समाज में श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का पुनः सिंचन हो रहा था। इस नव जागरण का संदेश लाए थे भगवान महावीर व तथागत बुद्ध। राजनैतिक संघर्षों के कारण रक्त से लाल उठी भूमि में ही अहिंसा प्रेम व सद्भावना के अंकुर फूटे और मगध ही परिवर्तनों की तथा महावीर व बुद्ध की कर्मभूमि बनी। सत्य का अनादि प्रवाह अनंत की ओर बढ़ रहा था। बढ़ रहे थे महावीर और बुद्ध और भारतीय इतिहास एक और भावी वैभवशाली नगर का जन्म देख रहा था। अजातशत्रु ने विजयों से युद्ध करने के लिए पाटली ग्राम में अपने मंत्री वर्षाकार व सुनित के द्वारा दुर्ग की स्थापना करवाई। उस दिन प्रातः भगवान बुद्ध ने वर्षाकार व सुनित को देखकर अपने शिष्य आनंद से पूछा, आनंद वे कौन हैं?
आनंद ने उत्तर दिया, प्रभु वे महाराज अजात शत्रु के मंत्री वर्षाकार व सुनित हैं। विज्ञों से संघर्ष करने के लिए दुर्ग की नींव डाल रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा था, शीघ्र ही यहां एक वैभवशाली नगर बसेगा, परंतु उसे अग्नि, जल अथवा ग्रह कला से भय रहेगा। तथागत की भविष्यवाणी सच हुई। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा व शोण के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और वास्तुकला में पारंगत पंडित महागोविंद द्वारा निर्मित मगध की राजधानी राजगृह को त्याग कर पाटलिपुत्र को मगध की नई राजधानी बनाया। कालांतर में इसी पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर आरूढ़ हो नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मनंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और मगध के साम्राज्य की वो थाती अंतिम नंद धनानंद के हाथों उत्तराधिकार में आई और इतिहास देख रहा था। सहायता नहीं करता मैं, और मगध के महामात जैसी सहायता की अपेक्षा करना व्यर्थ है। जा मैं अपने घर जा, जा मैं। उत्सव की अनेकों शुभकामनाएं दी। आज तो आप कलंक रहित नहीं रह सकते आ रही, और स्त्री के संसर्ग पर तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो मैं तक तुमसे बचता रहा हूँ। प्रणाम दीदी। प्रणाम आर्य। प्रणाम। वसंत उत्सव की आपको अनेकों शुभकामनाएं। आपको भी अनेकों शुभकामनाएं पौर मिलेन। प्रणाम महामात। क्षमा करें देव, अंगद की माता अपने पुत्र को लेकर बहुत चिंतित है। वो बार बार मुझसे अंगद के बारे में पूछती है, पर मैं उसे क्या उत्तर दूं? तो इस संदर्भ में मैं क्या कर सकता हूँ? आप सम्राट से पूछ सकते हैं। क्या मुझे आज्ञा दें? मैं सम्राट से तुम्हें इस विषय को लेकर इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वरिंद महामात्य, मैं मंत्री परिषद, महामंत्री एवं प्रजा के प्रति उत्तरदायी, मुझे तो उत्तर ढूंढना ही होगा। यदि महामंत्री ने मुझसे प्रश्न किया तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? महामंत्री को उत्तर मैं दे दूंगा, और प्रजा की चिंता तुम मत करो। जाओ, उत्सव का आनंद उठाओ।
सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। वसंतोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं महा। सम्राट की सदैव विजय हो। संतोत्सव की शुभकामनाएं राजद्रोही। विजयी हो। कैसे हो श्रेष्ठ जी? सम्राट कहो। सम्राट मैं पॉल मिले। मैं जानता हूं। कहो सम्राट, मैं आपसे अंगद के बारे में पूछने आया था कि अंगद का पॉल अपनी मर्यादा में रहो। महामात्य और को इनकी मर्यादा का भान कराओ। से दीर्घ यात्रा से आ रहे हैं? राजगृह गया था, 10 दिनों बाद पाटलिपुत्र लौट रहा हूं। प्रणाम सुखदेव। प्रणाम महामंत्री। अंगद की माँ है ना? अंगद के लुप्त हो जाने के पश्चात मैंने पाटलिपुत्र के पौर वो अनेक उच्च अधिकारियों से बार बार संपर्क किया, पर किसी ने आश्वासन देने के अतिरिक्त मेरी और कोई सहायता नहीं की महामंत्री, और सम्राट तक मेरी प्रार्थना पहुंचाने के लिए कोई तैयार नहीं। तो चिंता मत कर माई, शीघ्र ही तेरे बेटे अंगद का पता चल जाएगा। मैं स्वयं उसे ढूंढूंगा। अब तू भोजन कर। महामंत्री शक्ताराज दिखाई दिए? हाँ आर्य, आज प्रातः ही उन्होंने मेरे पैरों पे जल पिया था। संतोत्सव की शुभकामनाएं मामा, तुम्हें भी मामनी का। महामंत्री
सामने ही। कहो मिलिंद, पाटलिपुत्र में सब ठीक तो है ना? नहीं मां मंत्री, सम्राट का प्रमुख साथी अंगद कई दिनों से अपने घर नहीं लौटा है और पाटलिपुत्र में जिससे भी पूछो वह उसके बारे में उत्तर देने को तैयार ही नहीं। मैंने सम्राट से भी पूछने का प्रयास किया पर नीचे आओ। किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या मेरी अनुपस्थिति में शिशुपाल यहां आया था? नहीं, किंतु आप उसके लिए इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि शिशुपाल मेरा गुप्तचर है। ये सच है देवी, जिसे तुम मेरा मित्र समझती हो वो मेरा विश्वस्त गुप्तचर। कहाँ जा रहे हैं आप? अंगद व शिशुपाल को ढूंढने। एक चषक आसव देना। थाई कुड़म मैंने देना। तुम तो राज के गुप्तचर। महामंत्री, महाराज धनंद के गुप्तचर मुझे ढूंढ रहे हैं। एक राज के गुप्तचर को दूसरे राज के गुप्तचर ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, यही सच है महामंत्री। पर क्यों? आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे महामंत्री। तुम मेरे विश्वस्त हो शिशुपाल। तो मरने से पहले एक सत्य मैं आपको बता देता हूं महामंत्री। शिशुपाल, जिस दिन आपने राजगृह के लिए प्रस्थान किया था उसके ठीक 3 दिन पश्चात रात्रि को धनंद, उनका प्रमुख सारथी अंगद और कुछ विश्वस्त सेवक गंगा के किनारे एक निर्जन स्थान पर गए थे।
अंगद, रथ मैं ही चलाऊंगा, तुम गाड़ी हाँको। सेवकों के परिवार इसी भ्रम में हैं कि उनके पुत्रों को राजकीय कार्य से नगर के बाहर भेजा गया है। अपना ध्यान रखना शिशुपाल। नहीं पास आ रहा था, चलो। बात क्या मोहम्मद? तुम्हारे लिए एक सूचना। अंगद जीवित नहीं है, अर्थात उसकी हत्या की जा चुकी है। संभव है कि अंगद वन्य सेवकों की मृत्यु मात्र एक दुर्घटना हो महामंत्री। यदि वो मात्र एक दुर्घटना थी तो सम्राट को इस संदर्भ में मौन रखने की क्या आवश्यकता थी? और इसके अतिरिक्त स्वर्ण मुद्राओं को राजकोष से निकाले जाने के संबंध में तुम्हारे पास क्या उत्तर है? मैं इस संदर्भ में आपको मौन रखने की सलाह दूंगा महामंत्री। प्रणाम महामंत्री। आपके पुत्रों के आचार्य आए थे, वे कह रहे थे कुछ दिनों के लिए वे यात्रा पर जा रहे हैं। इसीलिए अपने आचार्य की अनुपस्थिति में कुछ दिनों के लिए आपके दोनों पुत्र घर आकर रहेंगे। अंगद का कुछ पता चला? अंगद की हत्या हो चुकी है।
प्रणाम महामत्य। स्वागतम। आपने मुझे बुलाया देव? आप कोषाध्यक्ष हैं? हाँ देव। और जो राजकोष से धन चुरा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैं समझा नहीं देव। आपने मगध के मंत्री वर्ग, अमात्य वर्ग एवं राजमाता को राज्य की ओर से मिलने वाली मासिक वृत्ति तो पहुंचाई दी होगी? हाँ देव। राजमाता, मंत्री एवं अमात्य वर्ग की वार्षिक वृत्ति कितनी है? वार्षिक 36,000 पंड देव। और मासिक? 3,000 पंड देव। ये महामात्य वक्रनाश को दी गई वृत्ति है कि नहीं है? एक, दो, तीन, चार। 2,997, 2,998, 2,999, 3,000 में एक पण कम। दो हजार नौ सौ सत्तानवे 3,000 में एक पण कम देव। अब इसे भी गिनिए। एक, दो, तीन, चार। 2,997, 2,998, 2,999, 3,000 में एक पण कम। देव इसे नहीं गिनना चाहेंगे? आइए अमात्य गौरांग, क्या आप भी अपनी वृत्ति के पण गिनवाने आए हैं? निर्दोष हूं महामत। इसका निर्णय तो महाराज धनानंदी करेंगे। क्या महादेवी की वृत्ति के पणों में से भी एक पण कम है? कोषाध्यक्ष मंत्रणा कक्ष में पहुंच चुके हैं। षड्यंत्र की गंध आ रही है। जो राज परिवार के अधिकार का पण गायब कर सकता है वह सामान्य प्रजा को तो लूट ही लेगा। पता नहीं कब से यह घात चल रहा होगा। राजपुरोहित, इसका निर्णय अभी हो जाता है सम्राट। क्या आप राजकोष के रक्षक हैं? हाँ देव। राज्य की ओर से मिलने वाली वृत्ति के वितरण की व्यवस्था क्या आप करते हैं? हाँ देव। क्या आपको पता है कि वृत्ति के पणों में से एक एक पण कम है? देव। क्या इसके उत्तरदायी आप हैं? नहीं देव। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति का आपको पता होना चाहिए। हाँ देव। क्या आपको पता है? नहीं देव। तो दोषी कौन है? मैं नहीं जानता देव। तो कौन जानता है? महामंत्री शक्तार देव। शक्तार कहाँ है? मुझे पता नहीं देव। राम मंदिर
जाना मामन। पता चला? मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। इतना कहने के लिए महामंत्री को स्वयं आने की क्या आवश्यकता थी? किसी भी सेवक के हाथों संदेश भिजवा दिया होता तो भी आपके राजकीय उत्तरदायित्व का निर्वाह तो हो ही जाता। मैं लज्जित हूँ। लज्जा मंत्रियों को शोभा नहीं देती महामंत्री, क्यों अपनी परंपरा को तोड़ रहे हो? धीरज रखे। कैसे धीरज रखूं मैं महामंत्री? कैसे अंगद की पत्नी को विश्वास दिलाऊं कि वो अभी तक विधवा नहीं हुई है? महामंत्री, क्या मेरा पुत्र जीवित है? मैं ढूंढ रहा हूँ उसे। तुम जा सकते हो महामंत्री, हमें तुम्हारी सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ठहरो महामंत्री, अपने राजकीय कर्तव्य का पालन किए बिना तुम कैसे जा सकते हो? तुमने अभी तक मुझे यह आश्वासन नहीं दिया कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मगर मैं अपने कर्तव्य का पालन करना जानती हूँ। ये लो, अगर तुम जानते हो कि मेरा पुत्र अंगद कहाँ भूमि में गाड़ दिया गया है, कहाँ मार दिया गया है, तो वहां उस भूमि पर यह वस्त्र जरूर ओढ़ा देना। इससे हम बूढ़ों को थोड़ी शांति मिल जाएगी। युदावेनंतो अभ्यचक्षतत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं हिरण्यं। महामंत्री, आप मगध के महामंत्री हैं। सभी जानते हैं देव, पर क्या मगध के महामंत्री जानते हैं कि किसी भ्रष्टाचारी का हाथ मगध के राजकोष तक पहुंच रहा है? नहीं देव। और यदि मगध के अर्थतंत्र में कोई अव्यवस्था अथवा भ्रष्टाचार दिखाई दे तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? मैं मगध का महामंत्री महामात्य। तो क्या आप जानते हैं कि मगध के राजकुल को मिलने वाली वृत्ति के धन में से एक एक पण किसी ने चुराया है? मात्र एक पण? आपको आश्चर्य हो रहा है? इसमें आश्चर्य की क्या बात है वक्रनाश? जिस प्रकार पानी में रहने वाली मछलियां कब पानी पी लेती हैं ये बताना कठिन है, उसी प्रकार मुद्रा विनिमय करने वाले अधिकारी कब मुद्राएं हड़प कर लेंगे ये बताना भी कठिन है। महामंत्री, आपके तर्क सुनने के लिए मंत्री परिषद के पास समय नहीं है। हम उत्तर चाहते हैं। कैसा उत्तर महाराज? क्या आपने राजकुल की वृत्ति के पणों से एक एक पण नहीं चुराया है? तो आप उस भ्रष्टाचारी के हाथों को पकड़ना चाहते हैं और महाअमात्य वक्रनाश इस अव्यवस्था व भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं? मात्र एक पण के लुप्त हो जाने से सारा मंत्री परिषद चिंतित है ना? परंतु मैं मगध का महामंत्री मंत्री परिषद से पूछना चाहूंगा कि राजकोष से लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुप्त हैं, उसके लिए उत्तरदायी कौन है?
क्या मगध के मंत्री परिषद को एक से अनेक पण कम होने के महत्व को समझाना पड़ेगा? आप विषय बदल रहे हैं महामंत्री। जब जब सच की बात होती है तो लोग यही कहते हैं वकनास। सच और झूठ का निर्णय करने का अधिकार न्यायालय का है। तो क्या मैं महाराज धनानंद से सच जाने का प्रयास भी नहीं कर सकता? ऐसी अवस्था में प्रश्न बहुत व्यक्तिगत हो जाता है। देव मुझे क्षमा करे। प्रणाम देव। जिस प्रश्न का संबंध मगध से हो वो व्यक्तिगत कैसे हो सकता है महामात? महामंत्री क्या कहना चाहते हो कहो। महाराज धरती को बीज की आवश्यकता है, स्वर्ण मुद्राओं के कलश की नहीं। यदि धरती को पर्याप्त बीज मिले तो धरती पर सोना ही सोना लहला उठेगा। बस इतना ही? स्वर्ण मुद्राएं मागदों की संपत्ति है महाराज। एक एक मुद्रा मागदों के रक्त कणों व श्रम कणों की देन है। वो निधि राजकोष में ही सुरक्षित रह सकती है। बस तुम्हारी बात समाप्त हो गई? आप प्रजा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं देव। आज तुम बहुत ऊंचे स्वर में बोल रहे हो शक्तार। मागध तो ऊंचे स्वर में बोलने के लिए प्रसिद्ध है देव, परंतु आज मेरे स्वर में सत्य की कठोरता ज्यादा है। क्या तुम सत्य को प्रमाणित कर सकते हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि राजकोष से लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुप्त हुई हैं? न्याय व प्रजा का मुख तो आप हैं देव। मैं नहीं जानता कि धरती का सीना चीर कर वे स्वर्ण मुद्राएं सच का प्रमाण देंगी या नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं कि जहां आपके सारथी अंगद व आपके सेवकों का रक्त गिरा है वो धरती जरूर रंग लाएगी। आज्ञा दे देव। स्वयं को संभालना शक्तार। के अधिकार के पण लौटा रहा हूं देव, और मगध के अधिकार के पण बार बार मांगूंगा। कृतवती भुवना नाम विश्रियोनि पृथ्वी मधुरुगे सुपेशसा द्यावा पृथ्वी वरुणस्य धर्मना विष्कभिते अजरे भूरिरे दसा। कृतवती भुवना नाम विश्रियोनि पृथिवी मधुदुगे सुपेशसा द्यावा पृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरे तसा। कृतवती भुवना नाम विश्रियोनि पृथिवी मधुदुभे सुपेशसा द्यावा पृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरे तसा। कृतवती भुवना नाम विश्रियोनि पृथिवी मधुदुभे सुपेशसा।